क्योंकि टाइम स्लॉट हमारे पास कम है। एकदम अपने मैच के बाद जैन समाज की जो प्रतियोगिता चल रही है जैन प्रीमियर लीग, उसके मैच भी होने, तो अपने अवेलेबल स्लॉट में ही हम जिस तरह से भी आयोजन कर पाए। पहला बॉल रोशन का, पहली बॉल पे स्वागत किया, बॉल भी एक अंडा कर दी। नतीजा बल्लेबाज को एक न्योता, शानदार बाउंड्री से शुरुआत की रोहित ने। तो अब ये कमबैक बॉल होगा या रोहित विस्फोटक हो जाएंगे, आक्रामक हो जाएंगे, रोहित का अपना एक अंदाज है। देखते हैं दूसरी बॉल गेंदबाज रोशन की, और इस बार कलाइयों से खेल दिया मिड विकेट की तरफ, फील्डर वहां मौजूद है, जब तक पकड़ेंगे गेंद वापस करेंगे बल्लेबाजों के छोर बदल जाएंगे और स्ट्राइक पे आ जाएगा बाएं हाथ का विशाल मौर्य। दोनों टीमों ने बहुत कसा हुआ क्रिकेट खेला है, जो टीमें हारी हैं वो और भी अच्छी थीं, पर शानदार मुकाबले हुए ऑल इंडिया चैंपियनशिप में। पिनलाइज्ड एम्पायर संजय ने पेनल्टी लगा दी, स्कोर 5-1, 6। बॉल दोबारा फेंकेंगे अब रोशन बाएं हाथ के बल्लेबाज विशाल को, तो रोशन अपनी तीसरी बॉल दूसरी बार फेंकते हुए, मिस टाइम शॉट है क्या, नतीजा नो मैंस लैंड है वो, तो एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। खिलाड़ी फंबल कर गए थे पर विशाल को पता है इस एक रन का उतना फायदा नहीं जितना रन आउट से खामियाजा हो जाएगा, क्लियर कॉल था, बहुत अच्छी बात है विशाल, क्लियर कॉल, लालच नहीं किया फंबल का, नहीं भागना मतलब नहीं भागना, रन आउट से कुछ नहीं ऑप्टेन होता है फिर, तो खाता खुल गया यहां विशाल का, आगे नॉन स्ट्राइक पे, अब स्ट्राइक पे है रोहित, पावर प्ले की बस 3 गेंदें शेष हैं और रोहित का बड़ा शॉट खेलने का प्रयास विफल, पर एक रन लेने का मौका मिलेगा और स्ट्राइक वापस मिल जाएगी विशाल को। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं रोशन, पहली गेंद पे बाउंड्री के बाद 3 गेंदों पे 3 सिंगल, तो अपनी लेंथ लाइन पाते हुए पूरा नियंत्रण है इस वक्त तक उनकी गेंदों पे। देखते हैं उनकी 5वीं बॉल और इस बार डॉट बॉल से बल्लेबाज विशाल पे एक दबाव बनाते हुए, वंदे मातरम कप, ऑल इंडिया चैंपियनशिप, टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा, शिवाजी पार्क, सदर बाजार, अपने जबलपुर में। एम्पायर संजय रजक लेग एम्पायरिंग पे उनके साथ हैं अन्नु, ओवर का अंतिम बॉल, मिस टाइम शॉट है लेकिन नो मैंस लैंड है वो, और गेंद मात्र 1 रन आया बल्लेबाज को, तो शानदार गेंदबाजी यहां रोशन के द्वारा। 1 ओवर की समाप्ति पे स्कोर हुआ 9 रन, 9 for no loss। तारे आए पैर जट्टी
गेंदबाजी पे आए हैं गेंदबाज आनंद अनस। पावर प्ले की औपचारिकताएं समाप्त है, मतलब पांच खिलाड़ी सीमाओं पे, सीमाएं सुरक्षित हैं। चार सर्कल की औपचारिकताओं पे अगर शुरू में भाग जाते तो रन ईजी हो जाता, पर क्लियर थे विशाल की इस तरह के सिंगल नहीं लेने जिनमें रिस्क हो। शानदार गेंद अनस की, डॉट बॉल से शुरुआत, उनकी दूसरी बॉल शॉट, एक्सीलेंट शॉट, मैक्सिमम, पहला मैक्सिमम विशाल के बैट से। अनस की थर्ड बॉल और इस बार आउट होके पवेलियन वापस जाएंगे बल्लेबाज विशाल, कीपर की हाइट से काफी ऊपर। तो बाएं हाथ के बल्लेबाज विशाल की जगह एक और बाएं हाथ का बल्लेबाज राहुल निर्मल। शानदार बॉल, बल्लेबाज को टाइम ही नहीं मिला, जाने दिया इसे कीपर के हाथों में। विकेटों के पीछे कमरान खान, शानदार ऑलराउंडर ताज बंबनी के। फिलहाल पांचवी बॉल अनस की, शॉट, एक्सीलेंट शॉट, शानदार मैक्सिमम यहां पे बल्लेबाज राहुल के बैट से। अच्छा प्रयास था वहां क्षेत्र रक्षक का, पर जब ये पंच लगा तभी क्लियर था कि ये इनफ है सीमा रेखा से बाहर गिरने के लिए। स्कोर हो गया 21 ओवर का आखिरी बॉल, और इस बार चूक गए, छोटा बॉल मिल गया था, बैट बॉल में संपर्क नहीं बना, डॉट बॉल से ओवर समाप्त। ओवर में आए 12, दो ओवर की समाप्ति पे स्कोर हुआ 21, 21-1। तो अब गेंदबाजी पे आए हैं बाएं हाथ के कामरान खान, आईपीएल के खिलाड़ी, राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते थे, प्रतियोगिता में हिस्सा लिया इन्होंने ताज बंबनी टीम से। ओहो कटर, एक्सीलेंट बॉल था, रोहित ने देखा और फिर देखते ही रह गए, बॉल उन्हें छोड़ के कीपर के हाथों में पहुंच गया। शानदार शुरुआत, पूरी प्रतियोगिता में ही इन्होंने बहुत लायक प्रदर्शन किया है गेंदबाजी एवं बल्ले से भी।
और इस बार एक और पिनलाइज्ड बॉल है ये, तो इसको अब दोबारा फेंकना होगा कमरान को। स्कोर 21 और एक 22। दूसरी बॉल दूसरी बार फेंकेंगे अब, तो क्या रोहित की कोशिश होगी सिंगल करके बाएं हाथ के बल्लेबाज राहुल को स्ट्राइक दें, अन्यथा अच्छी गेंदबाजी कमरान के द्वारा। शॉट, ओ माय गॉड, दिस इज फैंटास्टिक, शाबाश रोहित। पहले ही रिवर्स स्वीप में खड़े हो गए बाएं हाथ, उनका रिवर्स, उनका सब कुछ बहुत स्ट्रांग है, ऑन साइड ऑफ साइड रिवर्स स्वीप बिना किसी एफर्ट के, कमालिया ये एक्सीलेंट मैक्सिमम बल्लेबाज रोहित ने, टीम का स्कोर 28। अब कमरान की उस फिरकी का जवाब दे दिया रोहित ने, तो बारी कमरान की है, किस तरह से कमबैक करेंगे, आइए देखते हैं उनकी थर्ड बॉल। और इस बार दूर से खिला दिया, पहुंचना चाहा बॉल के पास पर पहुंच नहीं पाए रोहित, नतीजा डॉट बॉल से वापसी। स्कोर 28, ओवर का चौथा बॉल कमरान एक बार फिर रोहित के लिए, और इस बार फिर वो अकेले ही भाग गए, वो एक्चुअली राहुल की कोशिश है स्ट्राइक लेने की, उन्होंने बोला भी रोहित को कि मैं लेफ्टी हूं कमरान को मैं खेलूं, पर रोहित ने एक मैक्सिमम किया, अन्यथा तीन गेंदे डॉट, चार गेंदे हुई हैं। देखते हैं पांचवीं बॉल का नजारा, वंदे मातरम कप टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा, ऑल इंडिया चैंपियनशिप, सदर बाजार अपने जबलपुर में। और इस बार फिर दूर से खिला दिया, गुड एफर्ट्स कमरान, गुड एफर्ट्स, गति परिवर्तन स्लोअर इन द एयर, और इतनी दूर से कि रुक कर खेलने के बाद भी रोहित का बैट पहले घूम गया, नतीजा बॉल उनके शरीर पे लगी जाकर, तो मात्र वो एक सिक्स, अन्यथा चार डॉट गेंदे। लायक गेंदबाजी कर रहे हैं कामरान खान। अब आखिरी बॉल देखते हैं इसका नजारा, कामरान चले पुनः रोहित के लिए, इस बार वन बाउंस एंड ओवर द रोप्स, तो ओवर समाप्त दिया एम्पायर संजय ने, ओवर में आ गए 11 रन, 18 गेंदे हुई हैं, तीन ओवर की समाप्ति पे स्कोर हो गया 32, तीन ओवर 32, 32-1। अब आनंद की पहली बॉल, बैट का बाहरी किनारा लग के गेंद स्क्वेयर लेग की तरफ,
एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा वहां बल्लेबाजों को, प्रॉपर करेक्ट नहीं कर पाए, नतीजा बल्लेबाजों का छोर बदल जाएगा और स्ट्राइक पे आएगा रोहित। आनंद की दूसरी बॉल रोहित के लिए, शॉट, खिलाड़ी वहां मौजूद हैं, एक रन लेने का मौका रोहित को, स्ट्राइक पे आएंगे अब राहुल, राहुल निर्मल शानदार बल्लेबाज हैं, प्रतियोगिता में अभी एक अच्छी पारी खेलना बाकी है, चाहेंगे इस फाइनल मैच में वो खेल दिखाए जिसकी उनमें प्रतिभा कूट कूट के भरी हुई है। आनंद की थर्ड बॉल शॉट, नतीजा आउट होके वापस जाएंगे बल्लेबाज राहुल, मात्र 7 रनों का इनका योगदान, शानदार गेंदबाजी के अच्छे रिवॉर्ड गेंदबाज आनंद को। तो अब आए हैं बल्लेबाज अश्विन, अच्छी गेंदबाजी की है रोशन, अनस, कामरान एवं आनंद ने, चारों ही गेंदबाज पूरा नियंत्रण, नतीजा 32 रन, 2 विकेट पवेलियन वापस, स्कोर है 34 रन, 34 for 2। चौथी बॉल आनंद के ओवर की, इस बार हाफ शॉट है, मिस टाइम शॉट है, फंबल कर गए वो, पहुंच तो गए थे, कंप्लीट नहीं कर पाए, अश्विन को मिला जीवन दान। आधा शॉट खेलेंगे तो भाग्यशाली रहे इस बार तो, पर फिर अगली बार फील्डर ये गलती नहीं करेगा, तो अश्विन को अब इस जीवन दान का फायदा उठा के ओपोजिशन को इसका खामियाजा भुगतवाना होगा, अपनी वो पारी खेलनी होगी अश्विन सहारे को जिससे उन्होंने इतना नाम कमाया है। अब स्ट्राइक पे है रोहित बर्मन, गेंदबाज आनंद की पांचवी बॉल पीनलाइज्ड, अब इस बॉल को दोबारा फेंकेंगे, वंदे मातरम कप ऑल इंडिया चैंपियनशिप पावर्ड बाय सूरज शिवानी होम्स जारूश बिरयानी, स्पॉन्सर्ड बाय बजाज अलियांस अलादीन कबाब एंड ग्रिल्स केके स्पोर्ट्स एवं जॉली सर कॉमर्स क्लासेस सेक्टर 47 चंडीगढ़। शॉट, बल्ले बल्ले रोहित, बल्ले बल्ले, क्या बात है भाई, दिस वॉज अ ब्रिलियंट शॉट। ग्यारह रन,
चार ओवर की समाप्ति पे स्कोर हुआ 43 फॉर टू। तो अब गेंदबाजी पे आए हैं कमरान खान। स्ट्राइक रहेगी रोहित बर्मन के पास। पिछले ओवर में रोहित ने एक सिक्स एक फोर किया था। इस बार डॉट बॉल से ओवर शुरू होते हुए कमरान के पास कटर भी है और वेरिएशन मतलब गति परिवर्तन भी है और रोहित कर रहे हैं शानदार बल्लेबाजी। तो रोमांचक भरी ये पांच गेंदें, कमरान बेहतर या रोहित, आइए देखते हैं। दूसरा बॉल कवच की तरफ खेला, ऐसे फील्डर मौजूद हैं। बल्लेबाजों के छोर बदल गए, मतलब अब कमरान का सामना करेंगे बल्लेबाज अश्विन। लॉन्ग ऑन पे धकेल के एक रन किया बल्लेबाजों ने। और इस बार झुला दिया बल्लेबाज को, कितना शानदार टिप्पा है। बल्लेबाज की रडार में नहीं है और बना के मारने की गुंजाइश नहीं क्योंकि वो कटर है। तो कमरान खान साबित करते हुए कि क्यों इतना नाम है, क्यों इतनी ख्याति है, क्योंकि इतना पसीना बहा है मैदान पे और ये प्रतिभा कमाई है उन्होंने। उनकी पांचवीं बॉल और इस बार रोहित ने किया है कनेक्ट, आउट होके पवेलियन वापस। कामयाबी है कमरान को, शानदार गेंदबाजी के जानदार नतीजे उनकी टीम के हित में आए और आक्रामक रोहित पवेलियन। रोहित ने 21 रन जोड़े हैं, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे पर कमरान के सामने स्ट्रगल कर गए, या ये कहें कमरान ज्यादा कॉन्फिडेंट और लायक साबित हुए और इतने लायक कि उनका विकेट भी ले लिया, उन्हें पवेलियन भेज दिया वापस। और अब बाएं हाथ का बल्लेबाज राजा पहली बॉल पे ही ये तब बोल रहे थे उनको कि बाएं हाथ के गेंदबाज के लिए बाएं हाथ का बल्लेबाज यदि आ जाए। ओवर समाप्त हुआ इस मैक्सिमम के साथ, ओवर में आ गया 8 रन। पांच ओवर की समाप्ति पे
तकरीबन 10 रन प्रति ओवर की औसत से 5 ओवर 51 फॉर द लॉस ऑफ 3। बल्लेबाज देख लें संतुष्ट हैं तो आइए कंटिन्यू करें। अच्छा बॉल दिया है मैंने, वो आ गई तो उसी से कंटिन्यू कर लेंगे। इसको एम्पायर रख लेना अपने पास। तो ऑल इंडिया चैंपियनशिप का क्वार्टर, 2 सेमी 2 फाइनल। अब दिक्कत यह है कि जब अपन तो पूरी प्रतियोगिता ही 5 मैच प्रतिदिन कराते हैं, पूरी प्रतियोगिता अपन तो हैबिचुअल है, लेकिन अपन शुरू करते हैं 9 बजे, क्योंकि जैन समाज की भी प्रतियोगिता है, उन्होंने मैदान दिया 9:30, अपन को स्टार्ट मिला 9:45। नर्वस तो थे पर फिर शुक्र करेंगे वाहेगुरु का कि समहाउ 5 मैच अच्छी तरह से प्रतियोगिता में आज खेले गए और अब अपनी समापन की ओर है प्रतियोगिता। आनंद का ये बॉल, तेज करार बॉल, बल्लेबाज अश्विन 2 ओवर फेंके हैं कामरान ने और 2 ओवर फेंक रहे हैं आनंद, बाकी सब गेंदबाज एक एक ओवर फेंकेंगे। बॉलिंग पीनलाइज्ड, स्कोरिंग 51 और 52, 10 रन प्रति ओवर का अच्छा रन रेट चल रहा है यहां, तो औसत मेंटेन है, गेंदबाजी अच्छी हो रही है और बल्लेबाज भी बीच में अपना चांस बनाए जा रहे हैं। फिलहाल आनंद की गेंदों का क्या जवाब होगा अश्विन के पास, इनिंग में रह गई है बस 11 गेंदें। तो आएगा एक सिंगल रन, अश्विन ने स्ट्राइक दी साथी बल्लेबाज राजा को कमरान की आखिरी बॉल पे, अच्छा मैक्सिमम किया था इन्होंने पर वो लेफ्ट आर्मर थे, ये भी लेफ्ट आर्मर है पर वो कटर ज्यादा करते हैं और इनके पास गति ज्यादा है। तो देखते हैं आनंद कि तेज करार गेंदों का जवाब क्या देते हैं बल्लेबाज राजा। शॉट, राजा ने दिया जवाब, सर जी एक ही अंदाज है मैक्सिमम, शाबाश राजा। खड़े खड़े लॉफ्ट कर दिया इसे लॉन्ग ऑन के ऊपर से, क्योंकि टिप्पा ऊपर आ गया था, बॉल उनके रिडार में था। फिलहाल 2 छक्कों से अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी पारी खेल रहे हैं राजा। आनंद को कमबैक करना आता है, देखते हैं उनकी अगली, इस बार एक और शॉट, फील्डर वहां मौजूद है, अच्छी फील्डिंग उनके द्वारा।
शानदार नजारा शिवाजी पार्क में, एक से बढ़कर एक खिलाड़ियों ने हिस्सा लेके जहां प्रतियोगिता की शोभा बढ़ाई, वहीं उनके लिए भी अच्छा तजुर्बा वंदे मातरम खेलने का। जब बाहर की टीमों से बात शुरू हुई तो पता चला कितना नाम और आदर है अपनी प्रतियोगिता का, देश के अलग अलग कोनों में कितने खिलाड़ी हैं जो इसमें खेलना चाहते हैं, और ऑल इंडिया चैंपियनशिप के थ्रू इन खिलाड़ियों ने आके जहां प्रतियोगिता की शोभा बढ़ाई, वहीं उन्हें भी एक अच्छा एक्सपीरियंस। बॉल बदले जाने का कोई प्रावधान ही नहीं है जब तक कि वो फटे ना, एम्पायरों ने अपने हिसाब से सेट करके मैच को करना है कंटिन्यू। आनंद दो बॉलें हैं इनके पास, अपना स्पेल खत्म करने से पहले यदि कोई चकमा देते हैं तो। फिलहाल गेंद फेंकेंगे अश्विन को, और अश्विन का बड़ा शॉट खेलने का प्रयास विफल हुआ। बॉलर टू कीपर और कीपर से बैक टू बॉलर होगी बॉल, तेज करार बॉल थी ये। तो राजा बहुत आसानी से खेल गए इनकी गेंदों को, पर अश्विन फिलहाल कॉन्फिडेंट बैट बॉल में संपर्क नहीं बना पा रहे। इनिंग में मात्र 7 गेंदें रह गई हैं, आखिरी बॉल आनंद की, और इस बार एक और डॉट बॉल के साथ शानदार गेंदबाजी आनंद के द्वारा ओवर हुआ समाप्त। ओवर में खर्च हो गए 9 रन, 6 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 60, 6 ओवर 10 रन प्रति ओवर की औसत से 60 फॉर द लॉस ऑफ 3। दो ओवर कामरान, दो ओवर आनंद, एक अनस, एक रोशन, तो अब आएगा पांचवा गेंदबाज आ गया राम साहब। और राम साहब की गेंद का सामना करेंगे बल्लेबाज राजा। शॉट, ब्रिलियंट शॉट राजा, दिस वॉज ब्यूटी। जिस समय ये पंच लगा तभी क्लियर था कि ये सीमाओं से बाहर गिरेगा बॉल, तो स्वागत किया यहां पे राजे ने राम साहब का। पहली बॉल पे मैक्सिमम ऑफ और मिडिल की ये बॉल बल्लेबाज के रडार में थी, और अब क्योंकि मैक्सिमम कर चुके हैं 3, कॉन्फिडेंट है राजा, आराम से चुन रहे हैं अपनी बॉलों को। स्कोर हो गया 66 ओवर का सेकेंड बॉल, शॉट, नतीजा मिस टाइम कर बैठे और आउट होके पवेलियन वापस जाएंगे। अच्छी वापसी वहां, हालांकि शॉट प्रॉपर टाइम। एक इनिंग में 4 गेंदें शेष हैं, राम साहब ने अच्छी वापसी की वहां, शानदार कैच लॉन्ग ऑफ पे खड़े खिलाड़ी के द्वारा। तो राम साहब की थर्ड बॉल राइट हैंड बैट्समैन अभिषेक के लिए, शॉट, गुड शॉट, वेरी वेरी गुड शॉट, लाइन गलत थी राम साहब, आप मिडिल और लेग पे चले गए, बल्लेबाज ने रीच कर ली बॉल तक, कमालिया मैक्सिमम।
सहयोग के लिए। तो दो मैक्सिमम आ गए, स्कोर हो गया 72। इनिंग में 3 गेंदे शेष और इस बार बैट बॉल में संपर्क बनाने में नाकामयाब रहे अभिषेक। लेग बाय के रूप में एक रन आएगा। स्कोर हुआ 73। 42 गेंदों का यह मैच है, बोर्ड पे 73। इनिंग में 2 गेंदे शेष हैं अभी। और इस बार शानदार शॉट, छोटा गिर गया, इतना सारा रूम, इतना सारा टाइम मिल गया और काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे अश्विन ने अपने बैट से कमाया ये मैक्सिमम। और इस बार डॉट बॉल के साथ रन आउट भी हुए हैं, तो ओवर में आए 19 रन। 7 ओवर की समाप्ति पे स्कोर हुआ 79 फॉर द लॉस ऑफ 5। तो वंदे मातरम कप, ऑल इंडिया चैंपियनशिप की चमचमाती ट्रॉफी एवं 5,00,000 रुपए नगद पुरस्कार जीतने के लिए शिवान्य विधान एचएम ताज बंबानी के लिए लक्ष्य रखा गया है 42 गेंदे 80 दौड़े। 42 गेंदों पे 80 दौड़े दौड़ेंगे तो 5,00,000 रुपए नगद एवं वंदे मातरम कप जीतेगी शिवान्य विधान है चैम ताज बंबानी। अन्यथा रोबिन की टीम भारत अश्विन एवं जबलपुर कब्जा करेगी वंदे मातरम कप पे। बॉल का चेन वंदे मातरम कप ऑल इंडिया क्रिकेट चैंपियनशिप का ये फाइनल मैच, जहां एक इनिंग यहां पे हो चुकी है, वहीं दूसरी इनिंग के लिए तैयार अब शिवान्य विधान एचएम ताज वमनी हमारे बीच में इस प्रतियोगिता वंदे मातरम कप 2024 ऑल इंडिया क्रिकेट चैंपियनशिप, जिसके पावर्ड बाय सूरज शिवान्य होम्स, स्पॉन्सर बजाज एलायंस, स्पॉन्सर चोलीसर कामर क्लॉसेस, सेक्टर 47 चंडीगढ़, साथ ही अलादीन कबाब एंड ग्रिल, चौरस बिरयानी, केके स्पोर्ट्स, कनिष्क पॉल। हमारे बीच में वंदे मातरम ग्रुप हमारा तुषार स्वामी, अनिकेत पिल्ले, कनिष्क पॉल, संदीप पिल्ले, संजय रजक, अनुराज अन्नो और मुकुंद। तो आपके बीच में आज का ये भव्य फाइनल मैच है, आप इस शिवाजी ग्राउंड सदर जबलपुर संस्कार धानी का जाना माना ग्राउंड और जबलपुर संस्कार धानी के हृदय स्थल पे स्थापित ये ग्राउंड शिवाजी ग्राउंड सदर के नाम से जाना जाता है और उस ग्राउंड में आज ये फाइनल मैच आप सभी के बीच में, जिसका तमाम दर्शक काफी भारी मात्रा में यहाँ उपस्थित है और इस फाइनल मैच का लुफ्त उठा रहे हैं, वही दूसरी इनिंग यहां से प्रारंभ होने को है और हमारे बीच में तमाम दर्शक आप सभी का स्वागत और अगली आवाज आपके बीच में जॉली सर की। जॉली सर, टीम पहुंच गई है मैदान पे, पारा था अश्विन 11 जबलपुर
टीम मीटिंग करके एक दूसरे का हौसला बढ़ा के शुभकामनाएं दे के हत्ता पुड़ा के अब अपनी अपनी जगह पे जाते हुए खिलाड़ी और बल्लेबाज ओपनर्स आ गए हैं। प्रदीप कौन सा वाला है, मतलब लंबा वाला कि छोटा वाला? तो बल्लेबाज आए हैं, प्रदीप स्ट्राइक पे है, अनस नॉन स्ट्राइक पे है, बॉल का चेन आपकी टीम से ही हुआ था, पर ठीक है अगर आपका मन नहीं है तो मैं बदल देता हूं, कोई बात अब देख लो, आ जाओ आप ही आ जाओ फिर, तो जब वो चुनने आते हैं तो आप ही आ जाया करो फिर ऐसे में। इरफान पटेल गेंदबाज हैं इरफान पटेल, पहली बॉल पे ही शानदार शॉट लॉन्ग ऑफ दिशा में, वन बाउंस ओवर द रोप्स। और इस बार वापसी की है इरफान ने, खींच के खिलाया ये वाला बॉल, नतीजा बल्लेबाज को अनुमान नहीं लगा और बॉल बॉलर टू कीपर, कीपर से बैक टू बॉलर, परिणाम डॉट बॉल। और इस बार फील्डर वहां मौजूद हैं, अच्छी फील्डिंग उनके द्वारा, बल्लेबाज प्रदीप आगे नॉन स्ट्राइक पे, स्ट्राइक मिलेगी अब अनस को, इरफान पटेल, शानदार नाम क्रिकेट जगत का, अपनी चौथी बॉल अनस के लिए, ये बॉल अच्छा था, राइट हैंडर को खिलाने का अंदाज ही अलग है, कट करके बाहर भी चला गया, नतीजा चार गेंदों पे मात्र 5 रन खर्च किए, अच्छी गेंदबाजी, अच्छा कमबैक इरफान का, पहली बॉल पे बाउंड्री होने के बाद। एक और अच्छा बॉल, बल्लेबाज वही कर रहे हैं जो रोहित कर रहे थे कमरान के सामने, कमरान उनको झुलाए जा रहे थे, वो झूले जा रहे थे, इरफान इनको झुला रहे हैं फिलहाल, देखते हैं अनस वापसी करेगा कुछ, ये एक और डॉट बॉल होगी, ये आखिरी बॉल ओवर की, वही सब रिप्ले में हो गया, इरफान झुलाते गए, अनस झूलते गए, एक ओवर की समाप्ति पे स्कोर 5 रन।
बिना किसी नुकसान के। गेंदबाजी पे आए हैं गेंदबाज सचिन। इरफान ने शानदार ओवर फेंका, पावर प्ले भी अब खत्म है, तो पांच खिलाड़ी सीमाओं पे, चार सर्कल की औपचारिकताओं में। तो सचिन की पहली बॉल, छोटा बॉल सचिन, क्या था ये? दिस वॉज तोहफा, तोहफा कबूल कर लिया प्रदीप ने। शॉट, शानदार शॉट, एक्सीलेंट शॉट बाय प्रदीप, एक और मैक्सिमम के बल। दो गेंदों पे दो मैक्सिमम, आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज प्रदीप। इस बार एक और अच्छा शॉट पर मिस टाइम हो गया, तो वापसी की यहां सचिन ने, चलता किया प्रदीप को वापस, पहली सफलता। जो क्रिकेट के हित में होगा वही फैसला होगा, किसी टीम के पक्ष में नहीं और किसी के खिलाफ नहीं जाएगा। तो अगर बेल गिरी है तो वो डेड बॉल होगी, डेड बॉल तो होती नहीं, वो री बॉल होगी, क्योंकि वो बॉल लीगल डिलीवरी नहीं होती, तो बेल गिरी की नहीं वो देखते हैं हम और कंफर्म करते हैं आपको।
चलिए तो इट्स अ रीबॉल, बेल नहीं थी मतलब वो लीगल डिलीवरी नहीं मानी जाएगी, अब वो लीगल डिलीवरी नहीं है तो भाग्य ने साथ दे दिया वहां प्रदीप का। 17 रन के योग पे कैच हो गया था, पर उन्होंने अपनी अपील रखी कि सर बेल नहीं है वहां पे, और नियमों के मुताबिक अगर बेल गिर जाती है तो डिलीवरी इलीगल हो जाती है, उसे दोबारा फेंकना होता है। दोनों टीमें अपनी है, किसके पक्ष में गया किसके खिलाफ हम ऐसे नहीं देखते, बस ये देखते हैं कि क्रिकेट के नियम के अनुकूल क्या है। तो उस तरह से दोबारा फेंकेंगे इस थर्ड बॉल को सचिन। अब भाग्यशाली रहे कि किसी क्षेत्ररक्षक के हाथ में नहीं गई बॉल। सिंगल लेके उन्होंने अपना छोर बदला और अब स्ट्राइक पे आया है अनस। बल्लेबाज अनस ने अपना व्यक्तिगत खाता खोला इस एक रन के साथ, अपना छोर बदला और स्ट्राइक दी साथ ही बल्लेबाज प्रदीप को। दो मैक्सिमम इस ओवर में कर चुके हैं, पर सचिन की अच्छी वापसी है यहां पर और इस बार जाएंगे वापस, तो ज्यादा नुकसान नहीं हुआ टीम पारथ अश्वी इलेवन को। बड़ा निक कर गए और कीपर ने किया कैच कंप्लीट, मतलब प्रदीप 18 रन पे पवेलियन वापस। सचिन की शानदार वापसी मानी जाएगी, शुरू की दो गेंदों पे दो मैक्सिमम के बाद तकरीबन फंसाई लिया था, लेकिन वो बॉल रीबॉल हुई, हौसला रखा और उसी बल्लेबाज को फिर चलता किया पवेलियन वापस। अब बल्लेबाज आए हैं कामरान खान। डॉट बॉल के साथ ओवर समाप्त दिया एम्पायर संजय ने। ओवर में आ गए हैं 14 रन, दो ओवर की समाप्ति पे स्कोर हुआ 19, दो ओवर 19 फॉर द लॉस ऑफ वन विकेट, तो 10 रन प्रति ओवर की औसत तो कम से कम चाहिए ही चाहिए। अब गेंदबाजी पे आए हैं जायद, स्ट्राइक पे है बल्लेबाज अनस। जायद की पहली बॉल पे ही कीपर फंबल कर गए, पर क्षेत्ररक्षक ने किया कंप्लीट।
डन। पिछले मैच में आक्रामक बल्लेबाजी की थी अन्नू ने, लायक गेंदबाजी की सचिन ने, चलता किया प्रदीप को और जायद ने किया कंटिन्यू। जायद की दूसरी बॉल बल्लेबाज अन्नू के लिए। और इस बार मिस टाइम शॉट है पर नो मैन्स लैंड है वो। अन्नू का व्यक्तिगत खाता खुलेगा, बल्लेबाजों के छोर बदलेंगे और स्ट्राइक मिलेगी कामरान को। ट्वेंटी रन है बोर्ड पे, जीत के लिए लक्ष्य 80 रनों का। तीसरे ओवर की तीसरी बॉल, गेंदबाज जायद, बल्लेबाज कामरान के लिए। बढ़िया बॉल लेग साइड में, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास विफल हुआ। तेज करार बॉल, बॉलर टू कीपर और कीपर से बैक टू द बॉलर हो गई। जैद चौथी बॉल और इस बार मिड विकेट की तरफ एक रन के लिए खेला है। व्यक्तिगत खाता खोलेंगे कामरान, सिंगल डबल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। चार गेंदों पे मात्र दो रन खर्च किए हैं जायद ने, लायक गेंदबाजी। जायद की पांचवी बॉल खेलेंगे बल्लेबाज अन्नू। तो अन्नू चले पांचवी बॉल लेके। ओ ओ, 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 ओ। खूबसूरत नजारा, बढ़िया नजारा। दो बार फंबल कर गए पर कैच कर लिया कंप्लीट। अश्विन थे, अश्विन है वो, अश्विन सहारे, शानदार कैच उनके द्वारा। और एक आक्रामक बल्लेबाज अन्नू को पवेलियन वापस भेजा। और अब सुबह के मैच में अंतिम लम्हों पे शानदार तीन छक्के और एक चौका लगाने वाले सुमित, उनके कंधों पे सारा भार आ गया है एवं जवाबदारी आ गई है। वो कर पाए तो टीम की वापसी होगी, अन्यथा शिकंजा कसते हुए यहां पर पारा था अश्विन 11 रोबिन की टीम। अच्छी बॉल, शाबाश जायद, शाबाश। मात्र दो रन खर्च किए, चार डॉट गेंदे, दो विकेटे भी ली। तीन ओवर की समाप्ति पे स्कोर 21-21, तीन ओवर 21, तीन विकेटे पवेलियन वापस। तो सुशांत बल्लेबाज कामरान के लिए चौथा ओवर शुरू होता हुआ। ब्लॉक होल, फील्डर वहां फंबल कर गए।
बल्लेबाजों को छोर बदलने का मौका मिलेगा, स्ट्राइक मिलेगी अब सुमित को। अब होगा मुकाबला कड़ा, क्योंकि सुमित जाएगा ऊंचे लंबे घातक शॉटों के लिए। और सामने है सुशांत कश्यप, शानदार गेंदबाज। तो ओवर का दूसरा बॉल, शानदार बॉल पिनलाइज्ड, स्कोर 22-1, 23। और बॉल दूसरी बार फेंकनी पड़ेगी अब सुशांत को, ऑफ स्टंप से काफी बाहर निकल गए। एम्पायर संजय ने पेनल्टी लगा दी। दूसरी बॉल दूसरी बार फेंकते हुए सुशांत सुमित को, गुड शॉट तो है और वहां पे फील्डर पहले से मौजूद है, तो सुमित का व्यक्तिगत खाता खुलेगा। अच्छी गेंदबाजी मानी जाएगी सुशांत की, बल्लेबाज को वो रूम नहीं दिया। बल्लेबाज सुमित ने रीड कर लिया कि मेरे रिडार का बॉल नहीं है, खेल गए एक रन के लिए और स्ट्राइक दी कामरान को। और इस बार कामरान का ये हाफ शॉट सुशांत को मिली सफलता, मात्र 2 रन कंट्रीब्यूट करके कामरान पवेलियन वापस। अब जिताने में हेल्प करेंगे। आइए देखते हैं सुशांत की चौथी बॉल बल्लेबाज राजा को। पहली बॉल पे प्रयास विफल हुआ, सुशांत चालाक निकला। ऑफ स्टंप के बाहर की अच्छी लाइन, बैट कहीं बॉल कहीं। फिलहाल बॉलर टू कीपर, कीपर से बैक टू द बॉलर। राजा निश्चित ही बड़े शॉट्स के लिए जाएंगे, तो देखते हैं सुशांत की गेंदबाजी। एक और अच्छा बॉल, भक्कम तेज बैट बाद में आया, बॉल टिप करके सीधा बॉलर टू कीपर हो गया। शानदार गेंदबाजी दर्शकों, अपने शहर का सितारा सुशांत कश्यप वंदे मातरम कप ऑल इंडिया चैंपियनशिप में फेंकते हुए। ओवर का आखिरी बॉल होगा ये, और इस बार एक और अच्छी बॉल, बल्लेबाज को वो टाइम नहीं मिला प्रॉपर शॉट करने का, पर खाता खुलेगा यहां राजा का। ओवर समाप्त हुआ, ओवर में आ गए 4 रन। 4 ओवर की समाप्ति पे स्कोर हुआ 25, 25-4। रंग सच्चाई अठारह गेंदों पे नौ छक्के। वंदे मातरम कप एवं 5 लाख का नगद पुरस्कार। आइए देखते हैं कौन जीतेगा ये मुकाबला। तो इस तरह से लेग बाय के रूप में एक रन आएगा। राजा ने
जितनी शानदार गेंदबाजी बल्लेबाजी की थी सुबह, फिलहाल बैट बॉल में सही संपर्क नहीं बना पा रहे, कैसे बनाएं। शानदार गेंदबाजी सुशांत की और लायक निखरी हुई गेंदें जैद के द्वारा। उम्दा प्रदर्शन टीम पराथाश्वी 11 जबलपुर का। और इस बार सुमित सुबह के हीरो थे, पर इस बार मात्र एक रन के व्यक्तिगत स्कोर पे पवेलियन वापस। और आप देख रहे हैं अच्छा गेंदबाज जब गेंद फेंकता है तो किस तरह से अच्छे बल्लेबाज भी साधारण नजर आने लग जाते हैं। लायक और जोशीली गेंदबाजी के अच्छे परिणाम कमाता हुआ जायद अपनी टीम पाराथाश्वी के लिए। यूपी के तो अब मैच पे शिकंजा कसते हुए 5 विकेटें वापस चली गई हैं। बल्लेबाज आया है टोनू, टोनू के पास मौका है, टीम स्ट्रगल कर रही है तो अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी को अगर वो एनकैश करें। अभी इनिंग में 17 गेंदे हैं और 16 गेंदे हैं, 9 छक्के करने हैं इसमें, पर कैसे करें। एक से बढ़कर एक गेंदबाज पाराथाश्वी के पास और इस बार एक रन मिलेगा टोनू को, खाता खुलेगा उनका, स्ट्राइक मिलेगी राजा को। ओवर का चौथा बॉल होगा जी, गेंदबाज जायद बाएं हाथ के बल्लेबाज राजा को, राजा को शॉट्स करने होंगे, 2-3 तो करके रोमांच लाना ही होगा मैच में। दूर से खिला दिया, बैट तो घूमा पर बैट कहीं बॉल कहीं, बॉलर टू कीपर, कीपर से बैक टू द बॉलर, नतीजा डॉट बॉल। वंदे मातरम कप ऑल इंडिया चैंपियनशिप टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा का आखिरी मैच, पाराथाश्वी मैच को अपनी तरफ झुकाता हुआ। जबलपुर की रॉबिन की ये टीम अच्छी गेंदबाजी के जरिए, और इस बार एक रन मिलेगा यहां राजा को, सिंगल डबल से अब कुछ नहीं होना इसमें। ओवर का आखिरी बॉल जायद के, और इस बार गेंद सीमा रेखा से बाहर जाएगी 4 रनों के लिए। ओवर मैच 7, 5 ओवर की समाप्ति पे स्कोर हुआ 32 फॉर द लॉस ऑफ 5। अध्यक्ष युवा मोर्चा गिरिराज किशोर वार्ड से वेलकम इन दिस फाइनल मैच ऑफ ऑल इंडिया चैंपियनशिप वंदे मातरम कप। जबकि 12 गेंदों पे 47 दौड़े, 12 पे 47, तो यही ओवर होगा निर्णायक। तो फिर ये ओवर कौन फेंकेगा, ये फेंकेगा शानदार गेंदबाज इरफान पटेल और अपनी 6 गेंदों से मैच दूर कर देगा। पहली बॉल पे सिंगल आ गया,
एक और अच्छी बॉल तुषार स्वामी एवं साथियों का ये ग्रुप वंदे मातरम ग्रुप वंदे मातरम कप की प्रस्तुति जोली सर के साथ एसोसिएशन में प्रतियोगिता का 11वां वर्ष तो इस बार सिंगल होगा आउट हो जाएंगे वहां तो अब मैच औपचारिक तौर पे जाता हुआ क्योंकि कोई भी बल्लेबाज खास असर नहीं कर पाया वंदे मातरम कप टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा पावर्ड बाय सूरज शिवानी होम्स जारूश बिरयानी एंड स्पॉन्सर्ड बाय बजाज अलियांस अलादीन कबाब एंड ग्रिल्स के स्पोर्ट्स एवं जॉली सर कॉमर्स क्लासेस सेक्टर 47 चंडीगढ़ अब बल्लेबाज आए हैं ओपी आउट कौन हुआ यार तो इरफान ने मैच को दूर कर दिया यहां कोई भी बल्लेबाज प्रदीप के अलावा मैक्सिमम करने में असमर्थ प्रदीप का भाग्य ने साथ दिया था 17 रन पे जीवन दान पर एक रन और जोड़ के वो चलते बने और उसके बाद फिर कोई भी बल्लेबाज तगड़ा नहीं हो पाया ये कहें गेंदबाजी पैनी हो गई अच्छी टीम तैयार की थी रॉबिन ने और अच्छी टीम ने अच्छा प्रदर्शन करके दर्शकों का मन जीता आशीर्वाद लिया एवं आयोजकों को भी बहुत अच्छा खेल दिखाया ओवर समाप्त चार आगे इसमें चार तो स्कोर बताओ कितना हुआ है 38 छह ओवर 38 तो अब 6 गेंदों पे 42 तो मैच चला गया औपचारिकताओं पे अब 6 गेंदों पे 42 गेंदबाजी पे आए हैं लवेश फेंक दीजिए जल्दी जल्दी अपनी 6 गेंदें और औपचारिकताएं पूरी कीजिए अच्छा प्रदर्शन किया शिवानी विधान एचएम ताज बंपनी ने निक्की भाऊ एवं सूरज की ये टीम पर फाइनल मैच में तकरीबन एक तरफा सा मुकाबला कर लिया यहां सदका उम्दा गेंदबाजी पाराथाश्विक टीम की तो दूसरी बॉल पे अच्छा कमबैक हम वेलकम करते हैं शरेश जायसवाल जी का रीजनल हेड है बजाज अलियांस वेलकम इन दिस फाइनल मैच ऑफ द टूर्नामेंट तो अब मैक्सिमम
तो अच्छा मुकाबला खेला है सारा शिवान्या विधान एचएम ताज बंबानी ने, पर उनसे कहीं ज्यादा बेहतर साबित हुए रॉबिन की टीम पारत अश्वी 11 जबलपुर और जीत लिया वंदे मातरम कप ऑल इंडिया चैंपियनशिप एवं 5 लाख रुपए नगद पुरस्कार। शानदार जीत उनके द्वारा, एंड में मैच को एक तरफा सा कर दिया उन्होंने। दर्शक और खिलाड़ी पिच से बाहर आ जाइएगा क्योंकि अब अगली प्रतियोगिता होनी है जैन प्रीमियर लीग, उनका मुकाबला होना है, तो पिच को किसी प्रकार से नुकसान ना हो। टीम वहां पे खुशी मनाते हुए